राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर तकरार जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता इस कार्रवाई को केंद्र सरकार के दबाव में टारगेट बनाकर परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, इसमें मुख्यमंत्री क्यों परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में जयपुर और सीकर में प्रदर्शन किया है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट का कहना है कि ईडी की यह कार्रवाई भाजपा की घबराहट है, भाजपा घबरा चुकी है, भाजपा को ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, यही वजह है कि अब वो ईडी की छापेमारी करवा रही है। हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर में छापेमारी की, ये काफी निराशाजनक बात है कि बिना नोटिस के इस तरीके से किसी चीफ के घर में इतने देर तक छापेमारी करना, ये दर्शाता है कि हमारा जो कानून है वो किस दिशा में जा रहा है। केंद्र जो है वो ईडी को अपने हाथों में रखी है और अपने इशारों पर नचवा रही है और ईडी जो है उनके इशारों पर नाच रही है। हालांकि बीजेपी जो कुछ भी कह ले, ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी डर चुकी है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जीत हमारी होगी, इस वजह से वो ईडी की छापेमारी का सहारा ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड़ला के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कई मामलों में कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर लीपापोती की, करोड़ों रुपए के घोटालों को दबाया है। अब ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस सरकार की लीपापोती उजागर हो रही है। शेखावत ने कहा कि गहलोत को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेसी नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई और वैभव गहलोत के नोटिस दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह इस कार्रवाई के जरिए सीधा मुझे टारगेट कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले 9 साल में ईडी ने जितना कार्रवाई की है, जितनी सारी कार्रवाई की है, इनमें से सिर्फ 20% मामलों में ही चार्जशीट पेश की गई है, जबकि यूपीए शासन में 90% से ज्यादा मामलों में चार्जशीट पेश की गई थी। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि चोर कभी यह नहीं करेगा कि उसने चोरी की है, अगर कोई एजेंसी जांच करती है तो उनकी मदद करनी चाहिए। पूनिया ने कहा कि पेपर लीक के मामले में संदिग्ध दस्तावेज मिलने पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से प्रदेश की जनता को सच्चाई का पता चलने वाला है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को ऐतराज है और किसी को भी नहीं है, और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को ही ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी ने किया है, लेकिन ये ईडी की खुद की कार्रवाई है और वो खुद से जांच कर रही है, और मुझे यकीनन इस पर ईडी की कार्रवाई पर विश्वास है कि वो सच को सामने लाकर दिखाएगी।